वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। आज हम लोग व्हाई डू वी फॉल इल का लेक्चर नंबर 4th लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो कैसे स्प्रेड हो सकती हैं। अलग अलग मीन्स होते हैं, अलग अलग मीन्स मतलब यहाँ पे मीडियम से है, ठीक है। अलग अलग मीडियम के थ्रू वी कैन मतलब कोई भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एयर से होगी, जैसे हमारा कोरोना वायरस है वो थ्रू एयर स्प्रेड होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हम किसी का कंटेमिनेटेड फूड या वाटर ड्रिंक कर लेते हैं तो वहां से होता है। इफ वी टच एनी अनहाइजेनिक सर्फेस सो वहां से हो जाएगा। सो याद रखिएगा कि जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो कहीं से भी कैसे भी आपको इन्फेक्ट कर सकती है। आप इसीलिए बोला जाता है डेट यू शुड मेंटेन योर लाइफ स्टाइल वेरी वेरी हाइजेनिक और हेल्दी, ठीक है। सो मीन्स ऑफ स्प्रेड में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं थ्रू एयर, यानी कि एयर से डिजीज़ कौन सी स्प्रेड होती है, कैसे स्प्रेड होती हैं। एयर से स्प्रेड होने वाले डिजीजेस को हम लोग एयर बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्रू एयर। अब जो भी डिजीज हमारी एयर से ट्रांसमिट होगी, यानी कि जिसका स्प्रेड मीडियम या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो एयर होगा, उन्हें हम लोग एयर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन सी जो इन्फेक्शियस डिजीज है जिसे हमने अलग अलग कैटेगरी में यानी कि बैक्टीरियल फंगल इन सब में डिवाइड किया था लास्ट क्लास में, तो वो उन सबका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, अब तो वन वर्ड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है हमारे कोरोना की वजह से, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स क्या होगा, कोई एक ऐसी डिजीज जो कि एयर से स्प्रेड होती हो डेफिनेटली, जिसमें कि हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स इन्फेक्ट करे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आ जाती है कॉमन कोल्ड, जैसे हम छींकते हैं या फिर हम लोग खांसते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं हमारे माउथ से और हमारे नोज से कहाँ जाते हैं, एयर के अंदर जाते हैं, और जैसे ही कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है सो वाटर ड्रॉपलेट्स उसे इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है आपका, निमोनिया, ठीक है। और क्या होगा आपका, टीबी, ठीक है। सो ये सही हो गई आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब एयर से बॉर्न होने वाले डिजीजेस, यानी कि वो डिजीज जो कि हमारे एयर के मीडियम से स्प्रेड होती हैं। आप देखिए, सपोज दिस इज अ पर्सन, सैड बना देते हैं बिकॉज ही इज इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। अब इसे खांसी आई या फिर इसने छींका, सो जितने भी यहाँ पे इसका नोज बना देता है छोटा सा, ठीक है। तो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे जो इसके नोज से और इसके माउथ से आएंगे वो सारे कहाँ चले जाएंगे, आपके एयर के अंदर। और जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन स्माइल करेगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ही आल्सो टर्न्ड इनटू एन इन्फेक्टेड पर्सन, गारंटी नहीं होती है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ओके। अब देखिए, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आप लोग देख रहे हो, ये 2 से लेके 4 मीटर तक के डिस्टेंस में ही फैलते हैं, ठीक है। अब इतना नहीं फैलेंगे कि सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर और आपसे 100 मीटर दूर कोई बंदा खड़ा है एंड यू जस्ट स्नीज, ठीक है, उसके साइड फेस करके, तो वो इन्फेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 2 से 4 मीटर तक का इनका वाटर ड्रॉपलेट्स का स्प्रेडिंग मीडियम होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो होती है आपकी थ्रू वाटर या फिर थ्रू कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, और वाटर है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बीमार पर्सन है हमने उसका जूठा खा लिया, ऐसे नहीं। देखो,
हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि एक फूड पे बैठेंगे, जैसे हम लोग अब मक्खी की बात कर लेते हैं, ठीक है, हाउस फ्लाइज जिसे बोलते हैं, सपोज वो एक जगह बैठी है फिर वो उठ के दूसरी जगह चले गए, तो ऐसे भी जो है आपकी डिजीज स्प्रेड होती है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड कंटेमिनेटेड, ठीक है। अब देखिए जितने भी डिजीज जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि गंदा खाना खाना और गंदा पानी पीने से जो डिजीज होंगी वो आपकी होगी कॉलरा, टाइफॉइड, एस्कैरिसिस, अमीबियोसिस, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, ये सारी डिजीज जो है आपकी कहाँ से स्प्रेड होती हैं, आपकी स्प्रेड होने वाली ये डिजीज कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले ठीक है देखो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में हम लोग ने जो कॉमन कोल्ड को नहीं किया, अब हम लोग बोलते हैं किसी का झूठा पानी पीने से भी अगर सामने वाले को कोल्ड है तो आपको भी हो जाएगा, बट हमने वहां पे कंटेमिनेटेड फूड या वाटर का नाम क्यों नहीं लिया, बिकॉज उसका मेन मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, आपका जो है एयर है, यानी कि वो एक एयर बॉर्न डिजीज है, टाइफॉइड, ठीक है, बहुत सारी डिजीज होती हैं आपकी, हेपेटाइटिस, ए, हेपेटाइटिस बी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस ए की बात कर रहे हैं। देखो जो आपकी कंटेमिनेटेड फूड से डिजीज कॉज होंगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, फूड बॉर्न डिजीज, और जो वाटर से कॉज होंगी वो होंगी हमारी वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं अमीबियोसिस, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसलिए बोला जाता है कि हमें हमेशा साफ सुथरा प्योरिफाइड वाटर पीना चाहिए, खाने के सामान को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो पांच चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, हमारा वाटर बिल्कुल साफ होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए, यानी कि प्योरीफाइड होना चाहिए। हमारा जितना भी खाने वाला सामान होता है जो कि अनपैक्ड होता है, पैकेज वाले फूड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अनपैक्ड फूड की बात कर रही हूँ, वो हमेशा कवर रहना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप घर पर ही वो सामान रख रखा है वो सामान, या फिर आप बाहर मार्केट से कोई चीज़ परचेज करते हो, हमेशा कवर्ड होनी चाहिए वो चीज़। आपको अपने हैंड जो है वो रेगुलर बेसिस पे वॉश करते रहना चाहिए, आपको हमेशा क्लीन और हाइजीनिक वॉशरूम ही यूज़ करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें थी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। गार्बेज नहीं होना चाहिए आपके आसपास, यानी कि आपके ड्रेन्स जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होने वाली आपकी जो डिजीज है उसमें आता है एक सबसे पहले एड्स, ठीक है, सो हम एड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप फटाफट से ये सारी चीज नोट कर लो, उसके बाद एड्स को देखेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको एड्स की फुल फॉर्म बताई थी, जिसको याद है फटाफट से एक बार अपने मन में रिवाइज कर लो, ठीक है, और जिसको याद नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिए। ये एक ऐसी फुल फॉर्म है एड्स और एक एचआईवी, जो आपको अगर आप आज 9th क्लास में याद करोगे आपको अप टू योर ग्रेजुएशन हेल्प करने वाली है, अगर आप अपने 11th 12th साइंस स्ट्रीम से करते हो तो। सो एक सबसे पहली चीज आपको एड्स के बारे में पता होनी चाहिए वो है आपका इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या चीज याद होनी चाहिए वो है आपका कि कौन सा जो वायरस है, ठीक है, इट इज अ वायरल डिजीज, ठीक है, और कौन सा वायरस है,
इट इज HIV। HIV की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जिसका क्या नाम है, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस एक डिजीज को कॉज करता है जिसका नाम है एड्स, और एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, अब देखिए ये जो है ना आपके एक क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है। मैंने आपको एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज के बारे में आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में बताया था। सो ये आपकी एक क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग। अब दूसरी चीज कि ये कहां पे इफेक्ट कॉज करती है, यानी कि कौन सी हमारी, कौन सा एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसे इफेक्ट करेगी, सो वो है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, देखो इम्यूनो डिफिशियंस लिखा है ना, यानी कि एड्स वाला बंदा जो है वो अमीनो डेफिशिएंट होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी उसे बहुत इजीली इन्फेक्ट कर देगी। इवन अगर उसे हल्का सा खांसी जुकाम भी हो गया ना, तो वो भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एड्स वाले बंदे के लिए। सो इट इज गोइंग टू इफेक्ट आवर ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एड्स के बारे में इतना पता होना चाहिए आपको। अब देखिए एड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, ये ट्रांसमिट नहीं होता, ट्रांसमिट होता है आपका HIV वायरस। HIV पॉजिटिव एक पर्सन होगा अगर, सो वो अगर किसी एक नॉर्मल पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आता है, सो ही इज गोइंग टू ट्रांसमिट अ डिजीज, सॉरी अ वायरस कॉल्ड HIV, और ये वायरस आगे जाके आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर देगा, जिसकी वजह से आप एड्स वाली कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, सो अब मीन्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन हम लोग बात करेंगे, फटाफट से नोट कर लो। सो देखिए आपके जितने भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। टोटल 5 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। सबसे पहला आता है आपका अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सॉरी इंटरकोर्स विद एन HIV पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, दूसरा आता है आपका ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। अब देखिए इसमें ना आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए सिचुएशन हो सकती है कि सपोज एक मदर है और एक डॉटर है। डॉटर जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड है और मदर ना HIV पॉजिटिव निकली 5 साल पहले। ठीक है, तो क्या वो डॉटर भी HIV पॉजिटिव होगी? सोच के जरा सा दिमाग लगाओ और आप लोग बहुत इजीली गेस कर सकते हो डेट अगर जो मदर के HIV पॉजिटिव होने से पहले ही बेबी का बॉर्न हो चुका है, यानी कि जन्म हो चुका है, सो बेबी जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, सो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है बट ओनली इन दैट केस जब जो हमारा चाइल्ड है वो बेबी मदर के बेबी बॉम में हो और उस टाइम पे मदर इन्फेक्टेड हो जाए। नेक्स्ट इज योर शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये शेयरिंग नीडल से क्या मतलब है, यानी कि इंजेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर हमेशा आपको इंजेक्शन लगाने के बाद जो आपकी सिरिंज होती है उसे तोड़कर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नहीं पता कौन सी ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, हमें नीडल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्लड ऑर्गन्स ट्रांसमिशन। ठीक है, ब्लड या फिर ऑर्गन का ट्रांसमिशन जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए ब्लड जब आप डोनेट करते हो तो सबसे पहले आपका ना ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, और ऑर्गन ट्रांसमिशन के टाइम पे भी सेम प्रोसेस इन्वॉल्व किया फॉलो किया जाता है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रिस्की। नेक्स्ट और लास्ट में आता है बेटा टैटूज एंड बॉडी पियर्सिंग। अब देखो टैटूज के बारे में आप सबको पता है, बट बॉडी पियर्सिंग क्या होता है, आपने अपनी मम्मी के देखा होगा, मम्मी के कान में छोटी छोटी बालियां पहनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग बॉडी पियर्सिंग। अगर
आपकी जिस निडल से टैटूज और बॉडी पियर्सिंग की गई है वो अगर स्टरलाइज नहीं की गई है, यानी कि साफ नहीं की गई है, डिसइंफेक्ट नहीं की गई है, तो आपको भी कोई भी एसटीडी वाली डिजीज हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा ये 5 पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, एज इट इज लिख लीजिएगा डेट हाउ HIV ट्रांसमिट, या फिर यहाँ पे हम HIV की जगह पे STDs भी लिख सकते हैं। ठीक है, सारी के सारे पॉइंट याद रखने हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मदर टू चाइल्ड तभी पॉसिबल है जब बेबी की बर्थ से पहले ही मदर HIV पॉजिटिव हो। ठीक है, शेयरिंग निडल्स कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन की, अगर आप सपोज अगर डॉक्टर हर बार ना निडल्स को नहीं फेंकेंगे तो हो सकता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन को वो इंजेक्ट करे आपसे पहले और उसके बाद आपको इंजेक्ट करे, तो वहां पे एक केस है कि आपको डिजीज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ब्लड और ऑर्गन का ट्रांसमिशन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा एक केयरफुल प्रोसेस से कराना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ब्लड टेस्ट नहीं होगा और एक पर्सन को अगर कोई भी डिजीज़ होगी सो वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इवन ये केस कैंसर के साथ भी होता है, अगर एक पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है बाय कैंसर, तो अगर आप उसका ब्लड या ऑर्गन ट्रांसमिट करवाते हो यानी कि उससे लेते हो सो चांसेस हैं आप भी इन्फेक्ट हो जाते हो। टैटूज और बॉडी पियर्सिंग कि जो निडल है वो हमेशा स्टरलाइज होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी डिजीज कॉज करवाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज योर थ्रू ऑर्गेनिजम्स। देखिए, अब जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिजीज को लेके जाता है उसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज अ वेक्टर। ये फिजिक्स का वेक्टर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो वेक्टर क्या है? A vector is any organism that carries and transmit disease from an infected person to a healthy person. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब मोड ऑफ स्प्रेड कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। देखो, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ट्रांसमिट कराने वाले को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है उसे वेक्टर नहीं बोला जाता, उसे हम लोग पैथोजन की कैटेगरी में रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, वो वेक्टर और पैथोजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वेक्टर वो है जो कि स्प्रेड कराएगा और पैथोजन वो है जो डिजीज कॉज कराएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको सभी को। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी ऑर्गेनिज्म वेक्टर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज का, तो वो कभी भी उस डिजीज से इफेक्ट नहीं होता है। उसके लिए वो डिजीज हमेशा एक पूरी उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने का एक जरिया होती है। ठीक है, सो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर मान लो आपको एक डिजीज है, ठीक है, उसे ट्रांसमिट करने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोगों ने सपोज वेक्टर ए का नाम दे दिया, अगर वो वेक्टर ए ही उस डिजीज से इन्फेक्ट हो जाएगा तो फायदा क्या, वो खुद ही मर जाएगा ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि जो वेक्टर है वो कभी भी उस पर्टिकुलर डिजीज से इफेक्ट नहीं होते हैं। आ
ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक कुछ लिस्ट है वेक्टर्स की, ठीक है, हम लोग उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी कि बाइट से, बाइट वाली क्लासिफिकेशन, जैसे मच्छर ने काट लिया, ठीक है, किसी और इन्फेक्शन, किसी और वेक्टर ने काट लिया, कोई ऑर्गेनिज्म ने काट लिया, तो वहां पे यानी कि बाइट जहां पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा किसी भी वेक्टर का बाइट करना, हम उसकी कैटेगरी में, उसकी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से एक बार डेफिनेशन नोट कर लो, देन आई विल ड्रॉ टेबल फॉर यू ऑल गाइज, ताकि आपको ईजिली याद हो सके सारी चीजें और आप छोटे से स्पेस में ज्यादा चीजें लिख सको। सो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल बना दिया है, आपको बस यही सारी चीजें ध्यान से याद होनी चाहिए कि ये सारे वेक्टर्स, सॉरी, किस डिजीज का कौन एजेंट है, कौन वेक्टर है और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मलेरिया की। तो मलेरिया हम लोग ने स्टडी किया था किस कैटेगरी के अंदर, अंडर प्रोटोजोआ, यानी कि मलेरिया को ट्रांसमिट, सॉरी, पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोन है, ठीक है। और हमारा जो वेक्टर है वो है हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। कभी भी एक मेल एनोफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, मेल इन्फेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही इन्फेक्ट करेगा। और ये कैसे होता है? थ्रू बाइट, यानी कि जब एक मच्छर काटता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये देखिए, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, IF here means infected person, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक मॉस्किटो है जो कि हमारा मलेरिया से, मतलब डिजीज फ्री है, अब तक उसके अंदर कोई मलेरिया नहीं है। इस मॉस्किटो ने आके हमारे इस ह्यूमन को काटा, ठीक है। अब आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमारा जो मॉस्किटो है वो हमें बाइट करता है, सबसे पहले वो खून चूसता है ना, सबको पता है मॉस्किटो खून चूसता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले वो हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड इंजेक्ट करता है, उसके बाद क्यों, क्योंकि जैसे ही आपको पता है हमारी बॉडी जो है, जैसे ही हमारी बॉडी से खून बाहर निकलेगा तो फटाफट से क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो मॉस्किटो को एक क्लॉटिंग एजेंट यानी कि एंटी क्लॉटिंग एजेंट हमारी बॉडी में पहले डालना पड़ता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया यानी कि जब भी मॉस्किटो के अंदर ब्लड जाएगा तो वो वहां पे क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। सो क्या हुआ, ठीक है, अब उसके बाद इसने ब्लड को जो है सक किया, तो यानी कि इसके अंदर क्या हो गया, इसके पास जो हमारा डिजीज था यानी कि प्लाज्मोडियम था वो इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमारा एक हेल्दी पर्सन है और ये जो मॉस्किटो है ये जाके हमारे एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो सबसे पहले वो उसकी बॉडी में एंटीकॉगुलेंट इंजेक्ट करेगा ना, जैसे ही वो एंटीकॉगुलेंट इंजेक्ट करेगा ये पर्सन भी इफेक्ट हो जाएगा, किससे, प्लाज्मोडियम से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपका डेंगू। मलेरिया कर लिया हम लोगों ने, डेंगू कर लिया, तो डेंगू जो है वो एक वायरल डिजीज है यानी कि वायरस से कॉज होती है, और इसको जो वेक्टर है वो है हमारा एडीज मॉस्किटो, ठीक है। ये भी सेम प्रोसेस होगा, बाइट से होगा और प्रोसेस भी यही फॉलो किया जाएगा, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन को पहले आके एक मॉस्किटो बाइट करेगा, उसके बाद वो जो मॉस्किटो है वो खुद इन्फेक्टेड हो जाएगा, एंड देन एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, उसके बाद जो हमारा हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, यही प्रोसेस होता है, बस आप क्लास 11 12th में उसे डिटेल में स्टडी करते हो। नेक्स्ट इज योर ब्रेन फीवर। तो ब्रेन फीवर भी आपका एक वायरस, वायरल डिजीज है, यानी कि इसे कॉज करने वाला एजेंट जो है आपका वायरस है। नेक्स्ट इज इसे स्प्रेड कौन कराता है, कि वेक्टर कौन है, सो इट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, और यहाँ पे आ गया, ये सेम प्रोसेस होगा, मॉस्किटो पहले आपको बाइट करेगा, उसके बाद आप इन्फेक्ट होते हो, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने बहुत सारी चीज, लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में हमें ज्यादा डेंगू और मलेरिया के पेशेंट्स दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, सब जगह पानी खड़ा रहता है, और क्या होगा, मॉस्किटोज पैदा होंगे, एंड देन कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन बहुत ही ईजिली हमारे मॉस्किटो को डिजीज ट्रांसफर करते हुए थ्रू मॉस्किटो हमें अलग अलग इंसानों के अंदर मलेरिया हो जाता है, मलेरिया, डेंगू और ब्रेन फीवर। नेक्स्ट इज योर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी आ सकता है आपके पेपर में, बट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और सिर्फ स्लीपिंग सिकनेस दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जो हमारा एजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइपोनोसोमा, और वेक्टर क्या, हमारी टिस्टिस फ्लाई, और ये भी हमें बाइट करती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसी मोड से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाइट से ही जो है हमारा
डिजीज का स्प्रेड होता है। अब देखो ये कैसे होता है, इसका एक अलग प्रोसेस है आपको समझना होगा। सो देखिए हमारा ये फीकल मैटर है, ठीक है, इस फीकल मैटर के ऊपर आगे हमारी पिस्टिस फ्लाई बैठ गई, इसके ऊपर आके सपोज ये हमारी मधुमक्खी थी जो बैठ गई इसके ऊपर आके, अब यहां से डिजीज को उठाएगी, देन इट इज गोइंग टू ट्रांसफर इट टू योर फूड और डायरेक्टली बाइट करेगी। दोनों ही केस में वायरस जो है वो आपके बॉडी के अंदर ही तो गया है ना, यानी कि एक हेल्दी पर्सन को इसने क्या कर दिया, इन्फेक्टेड पर्सन बना दिया। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट योर रेबीज। सो रेबीज भी एक वायरल डिजीज है ये, ठीक है, यानी कि वायरस से कॉज होगी। हमारा वेक्टर यहाँ पे डॉग होगा और जब डॉग काटेगा सो वहां पे आपको रेबीज के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे डॉग का सलाइवा होता है वहां पे हमारे वायरस प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप यहां तक सारी चीज समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। सो इसलिए बोला जाता है कि अपने खाने पीने की चीज़ों को हमेशा कवर रखिए, आसपास गंदगी मत फैलाओ, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर। और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो हम एक और लेक्चर ले आएंगे। वैसे मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को हर एक चीज़ समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले के 3 लेक्चर्स आप ज़रूर देख लेना। आज लेक्चर नंबर 4 अपलोड हुआ है, ठीक है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मन लगा के पढ़ना है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।